नमस्कार बच्चों, आज आपके कक्षा 8 का द्वितीय अध्याय हमने शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो आ चुकी है, उसको देखें और उसके बाद उसका होमवर्क करें। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि संसाधन क्या होते हैं, व्हाट आर द रिसोर्सेज। तो हमने पढ़ा कि जल है, भूमि है, या जभी सभी जो चीज़ें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में, मनुष्य के दैनिक जीवन में काम में आती है, वो सभी चीज़ें क्या हैं? संसाधन हैं। तो उसी के साथ अपने देखते हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट संसाधन हैं वो कौन कौन से हैं, जिसके बारे में अपने पढ़ते हैं अभी सेकेंड चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में हमने संसाधनों के बारे में पढ़ लिया, अब सेकेंड चैप्टर में पढ़ते हैं जो संसाधन हैं, जैसे भूमि है, जल है, मिट्टी है यानी मृदा है, तो इन सभी के बारे में क्या है अपने पढ़ते हैं। उससे पहले क्या है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो हमने क्या है संसाधन के संरक्षण के बारे में जो पॉइंट रहा था हमारा, उसके बारे में दो बातें हैं जो मैं बता दूं आपको कि हमें संसाधन को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, उसका पुनः उपभोग करना चाहिए, उसको रिसाइकल करना चाहिए या फिर उसका रीयूज़ करना चाहिए। ये हमने क्या है संसाधन वाले चैप्टर में संसाधन संरक्षण के लिए पढ़ा था। तो नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं अभी अपना सेकंड चैप्टर जो रह गया है, आज की वीडियो का काम है हमारा। उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है आपका भूमि और मृदा। आपके चैप्टर का नाम है भूमि मृदा वनस्पति संसाधन है और साथ ही साथ क्या है वनस्पति जीव जो है वो सभी। तो पहले सबसे पहले अपने इस वीडियो में देखेंगे भूमि और मृदा, दो टॉपिक्स के बारे में अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए भूमि क्या है, हम देखते हैं हमारे पास क्या है लगभग 29% जो एरिया है वो स्थल भाग है और वही क्या है हमारे लिए रहने लायक भूमि है। उसमें भी क्या है सिर्फ 30% ऐसा क्षेत्र है, यानी पूरे पृथ्वी का जो जितना भी स्थल भाग है उसका मात्र 30% क्षेत्र ऐसा है जहां लोग रहते हैं और रह सकते हैं। लोग रहते हैं और रह सकते हैं, वो सिर्फ 30% एरिया है। स्थल भाग का 70% भाग ऐसा है जो बिल्कुल भी काम का नहीं है, या फिर वहाँ पर जनसंख्या जो है वो विरल रूप में मिलती है, यानी बहुत ही थोड़ी जनसंख्या वहाँ पर रहती है, वो भी क्या है बहुत दूर दूर क्षेत्रों में रहती है। लेकिन सिर्फ 30% क्षेत्र जो है वो हमारे काम में आ सकता है। भूमि संसाधन का अपने 30% यूज़ करते हैं क्योंकि वही रहने लायक है। अब कारण क्या है इस बात का कि मात्र सिर्फ इतने क्षेत्र पर रहते हैं, बाकी का ये क्षेत्र पूरा खाली छोड़ रखा है लोगों ने, वहाँ रहते क्यों नहीं है? तो उसके पीछे क्या है भौगोलिक कारण है। क्या है भौगोलिक कारण, यानी प्रकृति के कारण है कुछ, जैसे वहाँ की स्थलाकृति कैसी है। स्थलाकृति का मतलब होता है स्थल की आकृति, स्थल की आकृति कैसी है, यानी उबड़ खाबड़ है, रेतीले भूभाग है या दलदली क्षेत्र है, तो इस प्रकार की जो या मैदानी भूभाग है वो सारी स्थलाकृतियाँ होती है। पहला रीजन है कि वहाँ लोग क्यों नहीं रहते, स्थलाकृति वहाँ की ऐसी है, या तो वहाँ पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर कौन रहे, ठीक है, या फिर दलदली क्षेत्र है, या बहुत ज़्यादा क्या है रेतीली भूभाग है। दूसरा है तापमान, तापमान या जलवायु, या जलवायु कि जो ये क्षेत्र है 70% क्षेत्र ऐसा है या वहाँ पर या तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड है, और या फिर बहुत ज़्यादा ही गर्मी वहाँ पर पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर लोगों का रह पाना संभव नहीं है। जैसे अपने ध्रुवीय क्षेत्र देखते हैं, 90 डिग्री जो ध्रुवीय क्षेत्र है हमारा, 90 डिग्री अक्षांशीय भूभाग जो है वहाँ, या उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ बिल्कुल बर्फ जमी रहती है, सूर्य की किरणें बहुत कम पहुँच पाती है, तो वहाँ वनस्पति का उगवाना भी बहुत असंभव सा कार्य है, तो मनुष्य का रहना तो बिल्कुल ही असंभव हो जाता है वहाँ पर। या जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ आने का खतरा है, या भूसंकलन होने का खतरा है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते।
30% में ही क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सारी सुविधाएं उनको प्राप्त होती है। मानवीय रूप से क्या है, यहाँ पर ये जो 70% क्षेत्र है वहाँ पर सुविधाएं प्राप्त नहीं होती, जिसके कारण वहाँ पर लोग रहते नहीं हैं, या फिर वो जो क्षेत्र होता है वो बंजर भूभाग होता है, ज़मीन अच्छी नहीं होती है, खेती नहीं हो पाती है, जिसके कारण वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, या फिर रहने लायक जगह नहीं होती है। तो ये सब कुछ कारण है कि लोग सिर्फ मात्र भूमि संसाधन जो है उसका मात्र कितना 30% क्षेत्र ही क्या है काम में ले सकते हैं। अब पॉइंट आता है अपना कि भूमि, उसके बारे में हमने पढ़ लिया, धरातल के ऊपर वाली सतह जो है। अब बात आती है भूमि का उपयोग। अपने देखिए भूमि का उपयोग किन किन क्षेत्रों में करते हैं, अपने रहने के लिए भूमि का उपयोग करते हैं, ये स्कूल बना है वो भी भूमि के ऊपर बनाकर हमने यूज लिया है, फसल उगाते हैं तो भूमि के ऊपर, हमारी जो फैक्ट्रियां बनी हुई हैं वो भी क्या है भूमि के ऊपर हैं, सड़कें हैं वो भी भूमि के ऊपर हैं, खनन या खनिज के कार्य हैं वो भी भूमि से मिलते हैं, वन वगैरह जो हैं पूरे वानिकी जो क्या है संसाधन है अपना वो भी क्या है भूमि के ऊपर ही व्यवस्थित है। तो हमारे लिए क्या है भूमि के बहुत सारे उपयोग हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भूमि के उपयोग को भी क्या है कई कारक, भूमि के उपयोग को भी कई कारक क्या करते हैं उस पर बाधा ढालते हैं, या फिर कई कारक ऐसे होते हैं कि भूमि का उपयोग वैसा ही हो सकता है जैसा भूमि चाहती है। इसके कारक कौन कौन से होते हैं, एक तो भौतिक कारक हो सकते हैं और एक हो सकते हैं मानवीय कारक। मानवीय कारक, भौतिक कारक में जैसा कि मैंने बताया जलवायु, ऊंचावच यानी कितना ऊंचा या नीचा स्थान है, स्थलाकृति या जल वहाँ पर कितनी मात्रा में है, ठीक है, या फिर वहाँ गर्मी कितनी है, सर्दी कितनी है, ये सारी चीज़ें, या फिर एक और चीज़ रह जाती है इसके अंतर्गत खनिज, क्या रह जाता है भाई खनिज। तो ये कुछ कारण हैं जो भौतिक कारण हैं जिनके वजह से भूमि का उपयोग उस तरीके से ही होगा। जैसे मान लीजिए जलवायु कठोर है, ठंडी जलवायु वाला क्षेत्र है या बहुत ज़्यादा गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है तो वो बहुत कम काम में आएगा या उसी के अनुरूप काम में ले सकेंगे, ठीक है। सम जलवायु वाला क्षेत्र है यानी जलवायु वहाँ पर क्या रहती है एक समान रहती है, वहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे। ऊंचावच यानी ऊबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा ऊंचे स्थान है या बहुत ही गर्त वाले स्थान है वहाँ पर लोग नहीं रहेंगे, वहीं जो मैदानी भूभाग है वहाँ पर उस क्षेत्र का या उस भूमि का उपयोग सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ सड़कें बनाने में आसानी होगी, फैक्ट्रियाँ लगाने में, खेत बनाने में वगैरह वगैरह। उसी तरह स्थलाकृति और जल की उपलब्धता तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ही, क्योंकि जल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मानव जीवन के लिए चाहे पेड़ पौधों के लिए। तो जिस भी प्रकार का जीवन भूमि के ऊपर पाया जाएगा उसके लिए ये सारे कारण या भौतिक कारक क्या है जिम्मेदार हैं कि उस भूमि का क्या कैसा उपयोग होगा। जैसे खनिज कहीं पर मिलता है, खनन करने योग्य वो भूमि है तो वहाँ पर सिर्फ खनन होगा, वहाँ लोगों को रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वो क्या है उसके अंदर अमूल्य संसाधन छुपे हुए हैं उस भूमि के अंदर, तो वो हमें चाहिए मानव के लिए, अन्य संसाधन के रूप में वो काम में आते हैं। नेक्स्ट अपना है मानवीय कारक। तो मानवीय कारक के अंतर्गत क्या आएगा भाई, मानवीय कारकों के पास दो ही चीज़ें होती हैं लगभग, एक तो मानवीय कारक में जनसंख्या, जनसंख्या के आधार पर भी क्या है उस भूमि का उपयोग उस तरीके से होगा। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी की, जितनी ज़्यादा तकनीक बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा तकनीकी क्षेत्रों का कार्य बढ़ता जाएगा। जैसे सपोज कीजिए पहले लोग थोड़े थे तो एक गांव में रहते थे और बाकी जो स्थान था वो खेत के रूप में काम आ रहा था, ये खेत था ये थोड़े लोग हैं वो गांव में रह रहे हैं, जनसंख्या बढ़ी, मानवीय कारक है जनसंख्या बढ़ी तो लोग खेतों में भी रहने शुरू हो गए, ढानियाँ वगैरह बना ली उन्होंने, ठीक है, और ज़्यादा उपयोग बढ़ा और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी, प्रौद्योगिकी बढ़ी तो यहाँ कारखाने वगैरह भी लगने लगे और जनसंख्या बढ़ी तो क्या है और ज़्यादा। तो ये जैसे पहले इसका उपयोग क्या था, खेती के लिए उपयोग की जा रही थी ये ज़मीन, लेकिन बाद में क्या हो गया रहने के लिए भी उपयोग में ली जा रही है, यहाँ कारखाने भी लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो समय के साथ जनसंख्या बढ़ने के साथ और प्रौद्योगिकी में विकास होने के साथ साथ क्या है भूमि का उपयोग क्या होता जाता है बढ़ता जाता है।
तो ये सभी कारण दो कारक हैं, भौतिक और मानवीय कारक, जिसके आधार पर भूमि का उपयोग बंटता है। ठीक है, अगर भौतिक कारक पक्ष में होंगे तो वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे, और अगर विपक्ष में होंगे यानी उल्टे होंगे, मानवीय जीवन के अनुरूप नहीं होंगे, तो वहाँ लोग बहुत कम रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया 70% भाग पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। और वैसे ही क्या है, मानवीय कारक समय के साथ जनसंख्या बढ़ने और प्रौद्योगिकी बढ़ने के कारण क्या है, भूमि का उपयोग बढ़ता जाता है। वनों की कटाई लगातार उसी के कारण हो रही है कि जनसंख्या बढ़ रही है, और उनको रहने के लिए, उनको अन्य जो उनकी सुविधाएं उनको चाहिए, उसके लिए उनको क्या है, भारी मात्रा में क्या चाहिए, भूमि का जो भूभाग है वो बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए। अब भूमि के उपयोग भी दो प्रकार के होते हैं भाई, या भूमि क्या है, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर भी दो प्रकार से काम में आती है। एक स्वामित्व हो गया निजी स्वामित्व, जिस पर सिर्फ क्या है, कुछ या एक व्यक्ति का निजी अधिकार हो, वो क्या हो गया, निजी स्वामित्व हो गया उस भूमि का, और वो अपनी मर्जी से जो कुछ भी उस पर पैदा करना चाहता है, रहना चाहता है, दुकान लगाना चाहता है, फैक्ट्री लगाना चाहता है, जिस प्रकार से चाहे, वो खाली छोड़ना चाहता है, वो उसका उपयोग अपनी मर्जी से करेगा। नेक्स्ट होता है सामुदायिक भूमि, या सामुदायिक स्वामित्व के आधार पर जो भूमि है उसका उपयोग अलग तरीके से होता है। वो समुदाय के रूप के लिए क्या में आती है, जैसे पार्क बना दिया तो वो क्या है, अपने लिए सारे लोग क्या है उसका यूज़ करते हैं, या फिर सामुदायिक भूमि है जहाँ चारा या जो फल वगैरह लगाए हैं तो वो अपनी मर्जी से यूज करते हैं, वन वगैरह लगा दिए हैं तो वहाँ औषधीय जो चीज़ें होती हैं वो सभी लोगों के काम में आती है, तो उसी तरह से वो सामुदायिक रूप से काम में ली जाती है। तो स्वामित्व के आधार पर भूमि के क्या हैं, दो उपयोग हो गए हैं, एक तो क्या है निजी संपत्ति के आधार पर, और दूसरा सामुदायिक संपत्ति के आधार पर। अब जो ये सामुदायिक संपत्ति है, इसको क्या है, एक और संसाधन के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम होता है साझा संपत्ति संसाधन, क्योंकि यह क्या है, एक समुदाय विशेष या पूरे गांव, शहर या सभी लोगों के लिए सामुदायिक रूप से काम में आ रही होती है, तो ये साझा संपत्ति संसाधन है, या इसको सामुदायिक संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। ये निजी भूमि उपयोग के लिए काम में ली जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, ये भूमि के हमारे जो उपयोग हैं वो पूरे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना भूमि संसाधन का कारण। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भूमि संसाधन का संरक्षण। तो जो भूमि संसाधन है, जैसा कि मैंने बताया था, सभी जो संसाधन हैं उनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। पिछले चैप्टर में जो लास्ट पॉइंट था उसको मैंने रिकॉल करवाया था, आपको याद करवाया था इसी चैप्टर के शुरुआत में, कि जो भी संसाधन है उसका रीयूज होना चाहिए, उसको रिसाइकिल करना चाहिए, यानी पुनः क्या है उसका यूज करना चाहिए। तो अब क्या है, उसके लिए भूमि भी क्या है, हमारे पास एक संसाधन है, तो इसका भी संरक्षण बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि भूमि ऐसा संसाधन है जो एक बार अगर यूज में आ रहा है और अगर ख़राब हो गई भूमि उस जगह की, तो उस रूप में वो दोबारा काम में नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल, कोई ज़मीन थी जहाँ पर क्या है बहुत अच्छी फसल होती थी, खेती करते थे लोग, धीरे धीरे उस पर क्या है खाद उर्वरकों को बढ़ा कर डालने लगे, कीटनाशक उस पर बहुत ज़्यादा यूज किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का क्या कर सकें, उत्पादन कर सकें। अब क्या हुआ, वो भूमि धीरे धीरे क्या है उर्वरक और कीटनाशक जो क्या है पेस्टिसाइड्स वगैरह जो थे उनके ज़्यादा उपभोग के कारण या ज़्यादा उसको उस ज़मीन में डालने के कारण क्या हुआ, वो ज़मीन जो है वो बंजर बन गई, उसका बहुत ज़्यादा अति उपभोग करने के कारण वो बंजर जमीन के रूप में परिवर्तित हो गई। अब पहले जो खेती के रूप में आ रही थी वो बंजर हो गई है, अब उसका उपभोग वो नहीं रहा है, या फिर जमीन का भू भाग है वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और वो पेड़ पौधे लगातार काट दिए जाते हैं, वो पेड़ पौधे क्या कर दिए जाएँ, लगातार काट दिए जाएँ, तो क्या होगा, पानी के साथ, हवा के साथ या अन्य तरीकों के कारण, जैसे मानवीय तरीकों के कारण, वो क्या है उस जगह की जो मिट्टी है, भूमि संसाधन जो है वो क्या है एक तरह से
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहेगा और उसमें हार्श होता रहेगा। तो भूमि संसाधन क्या है, हमारे लिए संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है, पहले तो देखिए इसका उपयोग हमने पढ़ा है कि कितने मानवीय तरीके से उपभोग में लिया जाता है, भौतिक तरीके से भी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो देखते हैं कि जनसंख्या अगर बढ़ेगी, मानवीय जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो उसको रहने के लिए क्या चाहिएगी, ज़मीन चाहिएगी। उसको रहने के लिए क्या है, ज़मीन चाहिए। उसको अपना कार्य करने के लिए ज़मीन चाहिए, मानव को चलने के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए, सब तरीकों के लिए क्या है, ज़मीन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। भूमि संसाधन जो है वो सब तरीकों के लिए आधार, एक आधार के रूप में कार्य करता है सभी संसाधनों के लिए, भूमि संसाधन। तो अगर जनसंख्या बढ़ी है तो भूमि संसाधन ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। इसका कारण क्या है, मान लो और मानना क्या है, जैसे 71% भूभाग पर क्या है, पृथ्वी के जल है, और लगभग 29% भूभाग पर क्या है, भूमि है, स्थल भाग है, ठीक है। इसको अपने ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये इतना एक छोटा प्लाट है, ठीक है, इस पर एक व्यक्ति रहा करता था, ठीक है, इसकी परिवार की संख्या बढ़ी, ये दो हो गए, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जनसंख्या बढ़ती जाएगी लेकिन यहाँ पर क्या है, उनको रहने के लिए जगह तक नहीं बचेगी, ठीक है। उसी तरह क्योंकि हमने इस प्लाट को तो बढ़ाया ही नहीं और ना ही अपने बढ़ा सकते हैं, ज़मीन को खींच के लंबा तो कर नहीं सकते, तो उसी तरह क्या है, जैसे जैसे मानवीय जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो भूमि संसाधन हम बढ़ा नहीं सकते हैं, उसको विस्तृत नहीं कर सकते हैं अपने। तो इसलिए हमें क्या है, भूमि का उपभोग जो है वो बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। दूसरी बात, भूमि पर क्या है, सिर्फ मानव नहीं रहता है, इस बात को समझने की भूल ना करें कि सिर्फ भूमि मानवीय उपभोग के लिए ही आती है, कि मानव क्या है उस पर घर बना ले, इसके लिए ही काम में नहीं आती है भूमि, उस पर वन्य जीव भी रहते हैं, ठीक है, वनस्पति भी होती है, जो अवश्य रूप से क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से क्या है, मनुष्य के भी काम में आती है। जलीय स्रोत भी होते हैं, जलीय स्रोत भी होते हैं, पर्वत भी होते हैं, पठार भी होते हैं, जो क्या है हमारे लिए सीधे तौर पर काम में नहीं आते, लेकिन वो क्या है, यहाँ पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। 7th कक्षा में आपने पढ़ा हुआ पारिस्थितिकी तंत्र, तो उस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ये सारी चीज़ें जो पृथ्वी के धरातलीय क्षेत्र पर मौजूद हैं वो होनी ज़रूरी है। सिर्फ मानव ही नहीं है उसका उपभोग करता भूमि संसाधन का, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी उपभोग करती हैं उसका। तो इसके लिए हमें इसके उपभोग को क्या है, सोच समझ कर ही करना चाहिए, इस भूमि संसाधन को क्या है, नष्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसी पॉइंट में क्या है, अपने देखते हैं कि भूमि संसाधन के विनाश को अपने किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो उसके लिए देखो, एक तो भूमि संसाधन को बचाने के लिए या उस पर जल स्तरीय वो जो क्षेत्र है, जल का स्तर है वो उस पर बढ़े ना, उसके लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, कीटनाशकों या उर्वरकों का अधिक उपयोग न करें, जीवाश्म जो हैं या कुछ ऐसे जीव जो पृथ्वी की मिट्टी के लिए या भूमि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, उनका ही उर्वरक के रूप में काम में कर लेवें, ठीक है, या जो वनीय क्षेत्र है उनका कटाव न करें, वनीय क्षेत्रों का कटाव या उनको काटना न चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कार्य है, जैसे भूमि का उद्धार करना चाहिए, उसको एक टाइम के लिए खाली भी छोड़ना चाहिए, उर्वरकों का उपयोग सोच समझ कर या क्या है बहुत ही संतुलित रूप से उनका उपयोग करना चाहिए। तो ये कुछ कार्य हैं जिनके द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, भूमि संसाधन को एक तरह से बचा के रख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं अपने, जिसका नाम है मृदा। अब देखिए, हमने भूमि संसाधन के बारे में पढ़ा है और भूमि संसाधन में क्या है, सबसे पहली जो चीज़ हमारे काम में आती है वो है मृदा यानी मिट्टी, जिसके अंतर्गत देखिए कि
मृदा है, तो मृदा का उपयोग किस लिए करते हैं? अपने फसल अच्छी हो उसके लिए मृदा का उपयोग होता है। ठीक है, मिट्टी जो है वो अगर अच्छी होगी तो रहने लायक भी होगी। ठीक है, अगर उसमें जीवाश्मीय गुण अच्छे हैं, खनिज लवण अच्छी मात्रा में हैं, तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, और हमारा जीवन का आधार जो है वो खाने पीने से चलता है, तो मृदा क्या है, हमारे लिए खाने पीने की पूर्ति भी करती है। तो उसके लिए देखिए कि मृदा होती क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है, पृथ्वी का जो स्थलीय भाग जो है पृथ्वी का, उस पर छोटे छोटे कणों के रूप में जो अब चीज़ मौजूद होती है, एक पतली परत के रूप में जो आवरण मौजूद होता है छोटे छोटे कणों में, वो क्या होता है, मृदा होती है। आसान शब्दों में समझते हैं कि जैसे ये मान लीजिए भूभाग है अपना, स्थलीय भूभाग है, इसके ऊपर छोटे छोटे कणों के रूप में एक आवरण जमा रहता है जिसके का को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। ये जो ऊपरी भूभाग है स्थलीय भाग का, उसको क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। ये मृदा क्या है, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है। जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, स्थलाकृतियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं, इस ऊपरी भूभाग को, मृदा को क्या है, नुकसान भी पहुंचा सकती है। उसके आधार पर ही मृदा कैसी होगी वो डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी अलग प्रकार की होगी, कठोर होगी। मैदानी भूभाग पर मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी होगी, उपजाऊ कांप वाली मिट्टी होगी। ठीक है, पठारी क्षेत्रों पर लाल या दोमट मिट्टी, या फिर क्या होगी, जो ज्वालामुखी के उद्गार से लावा ठंडा होने के बाद जो काली मिट्टी बसती है उसका प्रभाव देखा जा सकता है। उसी के साथ साथ क्या है, जिन चट्टानों से मिट्टी बनी है वो, या खनिज कैसे हैं उस मिट्टी के अंदर, जैव पदार्थ कौन कौन से हैं, वो सभी क्या है, इसके अंतर्गत आते हैं। अब मिट्टी के अंतर्गत ये सारे जैव पदार्थ वगैरह जो हैं वो आते हैं, वो किस प्रकार से पहुंचाते हैं नुकसान, या किस प्रकार से वो काम में लिए जाते हैं वो देखिए। एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए कि जो मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी के कोर भाग यानी अंदर तक के जो भाग हैं वहाँ तक की, या ऊपर के जो स्थलीय भाग है उसके स्तर की पहली परत है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि स्थल भाग की ऊपरी जो परत है, जो दानेदार होती है, कणों छोटे छोटे कणों की बनी हुई परत होती है, वो होती है मिट्टी। तो ये क्या है, एक तरह से दो तीन परतें हैं मिट्टी की, जिसमें देखते हैं स्टार्टिंग में बिल्कुल जो पहली परत है वहाँ पर क्या है, बड़े बड़े दानों के रूप में यह है, या बड़े बड़े पत्थरों के रूप में मौजूद होती है, जिसको कहते हैं जनक सेलें। क्या बोलते हैं, जनक सेलें। जनक सेलों का मतलब हो गया कि ये सेल, या ये चट्टानों के जो भाग हैं, सेल का मतलब होता है चट्टान, तो ये जो चट्टानों के भाग हैं ये मिट्टी के जनक के रूप में कार्य करते हैं, मिट्टी को बनाते हैं। अब जब ये जनक सेलें अपक्षयित होती हैं, इनके कटाव होते हैं इनके अंदर, तो अब क्या बन जाते हैं, ये अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, अपक्षयित चट्टानी पदार्थ के रूप में यह तैयार हो जाता है। ठीक है, ये अपक्षयित चट्टानी पदार्थ के रूप में मिट्टी तैयार होगी। ये दूसरा भाग हो गया इसका। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो क्या है, इसके अलावा भी जो पार्ट कटेगा, यानी अपक्षयित मिट्टी का जो भाग है, चट्टानी भाग जो है वो, और उसके बाद क्या है, गाद या जलोढ़ मिट्टी के रूप में जो बनती है बाद में, कले की उपमर्दा, गाद या कले के रूप में उपमर्दा। उपमृदा का मतलब है ये बस मृदा बनने के लिए तैयार है, मिट्टी को बस थोड़ा सा टाइम रहा है इसको मिट्टी बनने में। ठीक है, या कले के साथ, कले के रूप में जो मृदा है वो, या बालू रेत इसको कह सकते हो। ठीक है, ये कले के रूप में, गीली मिट्टी के रूप में क्या है, यहाँ पर मौजूद होती है, बालू
गिल्ली बालू या कले या गाद के रूप में मौजूद होती हैं, और उसके ऊपर का जो भाग होता है वो क्या होता है, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा बनी होती है। यानी ये जो क्षेत्र होता है मिट्टी का, यहाँ पर क्या है, वनस्पति लगी होती है, मान लीजिए घास है छोटे मोटे, ठीक है, यहाँ पर वनस्पति के साथ मृदा, और साथ ही साथ यहाँ क्या होता है, इसके अंदर ह्यूमस होता है, ह्यूमस यानी है के साथ यह है, ये ठीक है, ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस यानी आर्द्रता बनी होती है। तो ये इस प्रकार का जो भाग होता है मिट्टी का वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए कि मिट्टी बनी होती है इस प्रकार से, ह्यूमस होता है वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होती है जिसमें ह्यूमस होता है, और बालू गाद या कले के साथ के रूप में मृदा होती है, अपक्षयित चट्टानी पदार्थ के रूप में मृदा होती है, या उसकी जनक सेलें होती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, मिट्टी का निर्माण करती है। तो इसके कारण अपने कह सकते हैं कि मृदा को प्रभावित करने वाले चीज़ें कौन कौन सी हो गई, वो चीज़ें देखते हैं। यानी इसके आधार पर, अपने इस ऊपर के डायग्राम के आधार पर देखेंगे कि मृदा को प्रभावित करने वाली सेलें कौन कौन सी हैं। जैसे पहली चीज़ होगी उसकी जनक सेलें, जनक सेलें यानी वो किस प्रकार की चट्टानी क्षेत्र से बिलोंग करती है, चट्टानी भूभाग से वो संबंधित है, उसका रंग कैसा है, उसका गठन कैसा है, उसका रंग या गठन किस प्रकार का है, गुणधर्म कैसा है, खनिज की मात्रा कैसी है उसमें, ठीक है, खनिज की मात्रा कैसी है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, उसके परंपराय के बारे में बताती है, परंपराय के बारे में बताती है, यानी वो किस प्रकार के भूभाग से मिलकर बनी है, उसके इतिहास के बारे में, पारगम्यता के बारे में या उसके इतिहास के बारे में हमें जानकारी देती हैं। और ये सबसे पहला भाग होता है मिट्टी को बनने के लिए प्रभावित करने वाला। दूसरा भाग देख सकते हैं उच्चावच, दूसरा भाग क्या होता है, उच्चावच यानी मिट्टी किस ऊंचाई पर या किस भूभाग या किस प्रकार के भूभाग पर स्थित है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं अपने कि जलवायु, तापमान, जहाँ पर मिट्टी बनी है वहाँ की जलवायु कैसी थी, तापमान कैसा था, वर्षा की मात्रा कैसी थी, ये सभी चीज़ें क्या हैं, डिफाइन करती हैं कि एक ये कारक हो गया मिट्टी को प्रभावित करने वाला। नेक्स्ट कारक क्या होगा, समय, मृदा, समय भी क्या है इसको प्रभावित करेगा, मृदा की परछेदिका, मृदा की परछेदिका जिसके बारे में क्या है, मतलब वो जल का जो अवग्रहण करती है नीचे से वो भी क्या है उसको प्रभावित करती है, मोटाई, परछेदिका की मोटाई कितनी है। उसके अलावा वनस्पति, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव, नेक्स्ट जो क्या है प्रभावित करने वाला भाग वो क्या है, प्राणी जात यानी हम मानव भी उसके अंतर्गत आते हैं, जीव या सूक्ष्म जीव भी क्या है उसको प्रभावित करते हैं, उसको बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, मृदा को प्रभावित करने वाले तत्व के रूप में अपने को देखी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम आप क्या है ध्यान से समझेंगे और उसके बाद इसको कार्य को, इतने कार्य को आप करके देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में अपने क्या है इतना ही समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट बच जाता है इसका कि मिट्टी का निर्माण के कारक के बारे में अपने पढ़ा, उसके बाद मिट्टी के निम्नीकरण एवं संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, मल्च बनाना, वेदिका फार्म, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके संरक्षण के लिए क्या क्या करना हमें आवश्यक होगा, इस सभी चीज़ों के लिए इस पाठ के द्वितीय भाग या द्वितीय वीडियो के रूप में अपने क्या है देखेंगे। यहाँ तक क्या है आप समझिए भूमि और मृदा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट का जो बचा हुआ भाग है इस चैप्टर का वो करेंगे।
तब तक के लिए क्या है, धन्यवाद, और इसको पढ़ के समझिए और फिर याद कीजिए।